अस्सलाम वालेकुम। अभी क्लास दूसरी एंड हो चुकी है या अभी नहीं हुई है क्लास दूसरी? कैसे हैं आप? ठीक अलहमदुलिल्लाह। वालेकुम। सो कल हमने चीज के कुछ पोट्री के एलिमेंट्स और या करेक्टरिस्टिक्स कह लें या फीचर्स कह लें उसको स्टार्ट किया था, और दो एलिमेंट कल हमने इसके डिस्कस किए थे जिसमें एक फर्स्ट वाला हेलेनिज्म और सेकंड वाला हमारे पास था स्केपिज्म। हेलेनिज्म क्या था कि हेलेनिज्म से मुराद ग्रीक एलिमेंट्स को कॉपी करना, उनको फॉलो करना, और कीट्स की पोइट्री में ये सारी चीज़ें ग्रीक एलिमेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। हमने देखा कल। एंड सेकंड वाज द टॉपिक और क्वेश्चन which is raised about Keats, about his escapism, कि क्या Keats जो है वो escapist था या नहीं था। तो उसको भी हमने देखा कि वो उसकी poetry में escapism कुछ जगहों पे नज़र आता है, लेकिन in the end वो life को इसकी तमाम तर realities के साथ पेंस और तकलीफ के साथ एक्सेप्ट कर लेता है। सो आज थर्ड वन है हमारे पास, एंड दैट इज कीट्स इज अ प्योर पोइट। कीट्स को एक प्योर पोइट कहा जाता है, माना जाता है। प्योर पोइट क्या होता है और इसे कहा जाता है और कीट्स को क्यों कहा जाता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होंगी। और इसमें थोड़ा सा कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जिनको मैंने इधर तो स्लाइड में ब्रीफ रखा है, लेकिन मैं उसको डिस्कस करूंगा और साथ ही आपको फिर जब सेंड करूंगा तो उसमें डिटेल उसकी सारी ऐड करके सेंड करूंगा। सो स्टार्ट करते हैं कि कीट्स एज अ प्योर पोइट। कीट्स इज अ प्योर रोमांटिक पोइट। ही राइट्स पोइट्री फॉर द सेक ऑफ पोइट्री। अब यहाँ पे ये हमें इंट्रोडक्शन मैंने लिखा है कि असल में प्योर पोइट क्या होता है। सो ये इंट्रोडक्शन है, इसकी डेफिनेशन भी यही है कि कीट्स जो है वो पोइट्री को फॉर द सेक ऑफ पोइट्री लिखता था। इसका मतलब यह है कि वो पोइट्री को एज अ पोइट्री ही लेता था, उसका पोइट्री से कोई और लेना देना उसने नहीं अपना बनाया था, यानी कि कोई ख़ास किसी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया उसने कभी भी पोइट्री को। वो जैसे हमने वर्ड्सवर्थ को देखा, वर्ड्सवर्थ जो है वो उसने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को वो बहुत पसंद करता था वर्ड्सवर्थ, तो उसने भी थोड़ा सा वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाला टच लेके पोइट्री लिखी। मतलब उसको वो बहुत ज़्यादा एडमायर करता था फ्रेंच रिवॉल्यूशन को, और उसने कोशिश की कि अपनी पोइट्री के ज़रिए वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के असरात, अच्छे असरात लोगों तक पहुँचा सके और एक रेवोल्यूशनरी आइडिया प्रोवाइड करने की कोशिश की उसने। और साथ ही साथ उसने एक जो
एक बहुत बड़ी फिलॉसफी वो पोइट्री के ज़रिए देना चाहता था, वो हमने डिस्कस की है कि नेचर के मुताबिक उसके जो थॉट्स थी, उसकी फीलिंग्स थी, वो पोइट्री के ज़रिए लोगों तक पहुंचाना चाहता था। दैट वाज स्पिरिचुअल सेंस इन नेचर, कि उसके मुताबिक जो है वो एक स्पिरिचुअल एलिमेंट पाया जाता था नेचर में, तो वो उसको भी जो है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की उसने अपनी पोइट्री के ज़रिए। लेकिन कीट्स के साथ ऐसा कुछ नहीं था, वो पोइट्री को सिर्फ एक जस्ट पोइट्री के तौर पे उसने वार्ता से एक और पोइट्री लिखा कि बस पोइट्री है तो इसको एक प्लेयर के तौर पे बस लिखा जाए। कि पोइट्री का मकसद उसके नज़दीक हम ये भी कह सकते हैं कि जस्ट एक प्लेयरेबल थिंग के तौर पे ही वो पोइट्री को देखता था। कीट्स वॉज अ प्योर पोइट एज ही डज नॉट प्रोजेक्ट एनी थ्योरी इन हिज पोइट्री। ठीक है, मतलब वो कोई भी उसने थ्योरी या फिलॉसफी किस्म की कोई भी चीज़ अपनी पोइट्री के थ्रू देने की कोशिश नहीं की। ही बिलीव्स इन आर्ट्स फॉर आर्ट्स सेक। ये रोमांटिक एज में उसने कह लें कि रोमांटिक्स का एक स्लोगन भी था, लेकिन ये अलग बात है कि उनने इतना ज़्यादा इसको, ज़्यादातर पोइट्स ने इसको फॉलो नहीं किया। आर्ट्स फॉर आर्ट्स सेक, आर्ट्स फॉर आर्ट्स सेक का मकसद क्या होता है, मतलब क्या होता है कि आर्ट को आर्ट के तौर पर ही लिया जाए और इसके अंदर कोई और जो है वो प्रोपेगेशन करने की कोशिश ना की जाए। सो आर्ट्स फॉर आर्ट्स सेक का जो है वो स्लोगन इसने फॉलो किया। आर्ट्स फॉर आर्ट्स सेक का मतलब है कि कोई भी आर्ट जो है उससे कोई कोई पॉलिटिकल किस्म का काम ना लिया जाए, कि कोई पॉलिटिक्स, कोई सियासत वगैरह या कोई और ऐसा कोई एक्टिविटी, कोई लाइक कहने के थ्योरी वगैरह जैसे देने की कोशिश की कुछ पॉइंट्स ने, तो इस टाइप का इससे काम ना लिया जाए, या रेवोल्यूशन लाने के लिए, कोई इनकलाब बर्पा करने के लिए इस टाइप का कोई इससे काम ना लिया जाए। ही डजन राइट पोइट्री फॉर एनी पाल्पेबल डिज़ाइन और एनी प्रोपेगेंडा। हिज मेजर कंसर्न इज टू गिव प्लेयर। इट मीन्स दैट हिज चीफ कंसर्न इज प्लेयर। Whereas some other romantics have been writing poetry for the propagation of their objectives, as Wordsworth and Shelley were in the favor of French Revolution, but Keats is least concerned with the social issues of life. तो ये वही बातें यहाँ पर revise हो रही हैं कि जैसे Wordsworth और Keats ने French Revolution को प्रोपेगेट करने के लिए, उसकी फेवर करने के लिए पोइट्री को यूज़ किया, वो एक टोटली ये कह लें कि एक तरह के कीट्स जो है उसके बिल्कुल बरक्स था। उसने ऐसा कोई भी प्रोपेगेशन यूज़ नहीं किया अपनी पोइट्री में, किसी चीज़ की फेवर करने की कोशिश नहीं की या किसी चीज़ को बढ़ावा देने की, उसको इनक्रीज करने की, किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी को या रेवोल्यूशन की एक्टिविटी को उसने अपनी पोइट्री के थ्रू आगे लाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की है। सो इस तरह से कीट्स जो है वो एक प्योर पोइट था, उसने अपनी पोइट्री में इस तरह की कोई भी काम नहीं किया और पोइट्री को वो फॉर द सेक ऑफ पोइट्री
या आर्ट फॉर आर्ट से के तौर पे ही देखता था, और उसके नज़दीक पोइट्री जो है वो सिर्फ एक प्लेयर की चीज़ थी जो हमें प्लेयर प्रोवाइड करती है। उसके बाद कुछ मज़ीद इन डिटेल कुछ पॉइंट्स हैं कि किस तरह से कीट्स की पोइट्री में हमें वो एक प्योर पोइट के तौर पे मज़ीद नज़र आता है। सो सबसे पहले कि अनएंडिंग परस्यूट ऑफ ब्यूटी, कि उसकी ऑलमोस्ट सारी पोइट्री में या बहुत ज़्यादा पोइट्री में कम से कम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ब्यूटी के मतलब की हमें बात करता हुआ नजर आता है। तो उसके अलावा हमें कोई भी कहीं उसके पोएट्री के थीम्स हैं स्लोगन कोई ऐसा पॉलिटिकल स्लोगन या कोई कोई टीचिंग करता हुआ लोगों को कुछ ऐसा जो है वो हमें नजर नहीं आता। यस इफ एनी क्वेश्चन सर, ये इसकी पोएट्री के थीम है कीट्स की पोएट्री के? नहीं, ये थीम किसको आप कह रही है जो अभी आपके सामने स्लाइड नजर आ रही है इसको? यस सर, उन्हीं को ही। नहीं, ये उसकी पोएट्री के थीम नहीं है, ये उसकी पोएट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स आप इनको कह सकते हैं। एज अ प्योर पोइट, एज अ प्योर पोइट हम टॉपिक लेके चल रहे हैं ना, कीट्स एज अ प्योर पोइट। तो एज अ प्योर पोइट उसके जो उसकी पोइट्री के फीचर्स बनते हैं ये वो लिखे हुए हैं इस टाइम। अजान का टाइम है तो एक मिनट के लिए काम से होता है। सो ये जो है ये उसके एज अ प्योर पोइट उसकी पोइट्री के अंदर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं ये वो पॉइंट्स हैं कुछ, के अनएंडिंग परस्यूट ऑफ ब्यूटी, के कहीं पे भी वो हमें पॉलिटिकल बात करता नहीं नज़र आता या रेवोल्यूशनरी आइडिया देता नहीं नज़र आता, वो ज़्यादातर हमें ब्यूटी की बात करता, ब्यूटी को एडमायर करता हुए नज़र आता है ज़्यादातर पोइट्री में। उसके बाद है स्पॉन्टेनिटी एंड कंसंट्रेशन ऑफ थॉट एंड फीलिंग, के उसके बाद जो है मैं उसकी पोइट्री में एक स्पॉन्टेनिटी नज़र आती है और कंसंट्रेशन, वो अपनी सारा जो फोकस है ना वो अपने जो फीलिंग्स और थॉट्स जो अपनी पोइट्री के अंदर जिस भी टॉपिक के ऊपर वो बात कर रहे हैं पोइट्री के अंदर उसके ऊपर वो अपना फोकस रखता है, वो कभी भी अपने फोकस से हटता हुआ नहीं नज़र आता है कि वो अपने फोकस से हट के और कोई अलग बात स्टार्ट कर दे, पॉलिटिकल बात स्टार्ट कर दे या चीज़ जिसके बारे में बात कर रहा है वो पॉलिटिकल साइड पे उसको ले जा के जोड़ दे। ठीक है, इस तरह की हमें इसके पोइट्री के अंदर कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती। उसके बाद है सबमिटेड टू द ट्रूथ ऑफ लाइफ एंड एक्सपीरियंस, ये जैसे हमने एस्केपिज्म में देखा था कि ईश जो है वो आखिर में मान लेता है ज़िंदगी की हकीकत को, सच्चाई को, कि ज़िंदगी में
खुशी और गम जो है वो साथ साथ चलते हैं और ये ज़िंदगी का हिस्सा है और यही ज़िंदगी है, और इन दुखों से तकलीफ़ों से हम कहीं पे भाग नहीं सकते। वो अपने आप को सबमिट कर देता है इससे सच्चाई के सामने। तो यहाँ पे भी हमें एज अ प्योर पोइट वो इस तरह से नज़र आता है कि क्योंकि वो ज़िंदगी की जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, वो उसी को आगे रखता है हमारे। और वो कोई ऐसा मतलब हमें जो है वो कोई बढ़ा चढ़ा के बातें नहीं करता इस पोइट्री के दौरान अपने, के कोई हमें जो है वो कोई और ही मतलब बड़े कोई नज़ारे दिलाता फिरे कि जी ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा उसके मुताबिक या उसका अंदाज़ा जो भी कह ले, या कोई ऐसी कोई बातें के कोई और ही अलग ही दुनिया की बातें करना स्टार्ट कर दे। नहीं, वो अपने आप को जो है वो सबमिट कर देता है, ये हकीकत को मान लेता है कि यही ज़िंदगी है, खुशी और गमी सब साथ साथ चलते हैं, और ये इससे आप दुनिया से या और इसकी तकलीफ़ों से कभी भाग के कहीं दूर नहीं जा सकते, बिलाकर आपको इस चीज़ का सामना करना ही करना पड़ता है। और जिस चीज़ में उसको जॉय फील होता है, ब्यूटी फील होती है, वो उसको रीडर के सामने उसी की उसी तरह सेम टू सेम वो पेश कर देता है। उसमें कोई वो ऐसा कोई बढ़ावा या कोई वो ऐसा मतलब कोई अपनी अपनी तरफ से मिर्च मसाले लगा के उसको पेश नहीं करता। उसके बाद नेगेटिव कैपेबिलिटी है, ये अभी मैं छोड़ रहा हूँ, ये इससे अगली वाली स्लाइड में ये पूरी डिटेल में बयान की गई है, इससे नेक्स्ट वाली स्लाइड में ये पूरी डिटेल इसकी डेफिनेशन है पूरी। उसके बाद है नो मॉरल टीचिंग एंड डिडेक्टिसिज्म, कि कोई भी मॉरल टीचिंग करने की कोशिश नहीं की है कीट्स ने अपनी पूरी पोइट्री के अंदर। जैसे वर्ड्सवर्थ नज़र आता है कि वो मॉरल टीचिंग करने की कोशिश करता है, स्पिरिचुअल एलिमेंट के बारे में भी बताता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में भी बताता है, उसको फेवर भी करता है फ्रेंच रेवोल्यूशन को, लेकिन कीट्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं। उसने कहीं पे भी अपनी पोइट्री के दरमियान में कोई टीचिंग करने की, कोई प्रीचर बनने की कोशिश नहीं की है, और इस तरह से जो है वो एक प्योर पोइट के तौर पे हमारे सामने पेश होता है। उसके बाद है डिडेक्टिसिज्म, आगे एक और लफ्ज़ लिखा हुआ है। डिडेक्टिसिज्म जो है इसका क्या मतलब होता है कि जो खास तौर पे लिटरेचर के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो उसमें ये एक तरह की एक चीज़ है कि जिसके अंदर इंस्ट्रक्शनल क्वालिटीज़ अगर राइटर कोई इंक्लूड करता है, कोई खास तरह के कोई हदायतकारी करने की कोशिश करता है कोई अपनी तरफ से कि जी ऐसा कर लें वैसा कर लें, कुछ इस तरह की यानी कि इंस्ट्रक्शंस वगैरह लोगों को देने की कोशिश करता है, तो वो लाइक उसको आप कह सकते हैं कि डिडेक्टिक या डिडेक्टिसिज्म। तो इसमें हमें कीट्स की पोइट्री में इस टाइप की चीज़ें कोई भी नज़र नहीं आती है।
उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास सेंसुअसनेस है कीट्स की पोइट्री के अंदर। कीट्स सेंसुअसनेस, सबसे पहले सेंसुअसनेस क्या होती है उसकी डेफिनेशन है। सेंसुअसनेस इज अ क्वालिटी विच अफेक्ट्स द सेंसेस। यानी कि सेंसुअसनेस जो है वो ऐसी क्वालिटी होती है लिटरेचर के अंदर के जो हमारी सेंसेस को अफेक्ट करती है, अपील करती है। सेंसेस हमारी जो पांच सेंसेस है जिसमें हेयरिंग, सीइंग, टचिंग, स्मेलिंग एंड टेस्टिंग आता है, कि इनको ये अपील करती है। अपील कैसे करती है या कैसे इसको अफेक्ट करती है, मुतासर करती है, कि जब भी लिटरेचर के अंदर कोई एलिमेंट या कोई भी ऐसा कह लें कि हमारे सामने कोई बात पोइट है या कोई नॉवल है या कोई ड्रामा है, उसमें अगर बता उसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसको बता रहा है हमारे सामने राइटर, तो उसके अंदर वो सेंसुअसनेस यूज़ करता है। और वो सेंसुअसनेस कैसे होता है कि उसमें जो मनाजर वो बता रहा है उनको हम एक तरह से जैसे कह लें कि वो हमारी सेंसेस को फील करते हैं। अगर वो ब्यूटी के मतलब बता रहा है कोई सीइंग ब्यूटी के मतलब, तो वो हमारी देखने की जो सेंस है उसको फील करते हैं कि वो क्या शानदार ब्यूटी है जी। वो अगर किसी नेचुरल चीज़ को बयान कर रहा है या वो किसी औरत की ब्यूटी को बयान कर रहा है, किसी मंजर की ब्यूटी को बयान कर रहा है, तो वो चीज़ हमारी आईज़ को, हमारी जो सीइंग की एबिलिटी है या सेंस है उसको अपील करती है। या जैसे पोइम में हमने पढ़ा था कि हेयर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहेयर्ड आर स्वीटर, तो ये मेलोडीज एंड म्यूज़िक की बात हो रही है ना, और म्यूज़िक किससे मुतल्लिक होता है, हेयरिंग के मुतल्लिक, तो ये हमारी हेयरिंग की सेंस को अफेक्ट करती है। तो ये सेंसुअसनेस एक ऐसी क्वालिटी होती है, एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर जो राइटर जो है वो चीज़ों को डिस्क्राइब करता है हमारे सामने, तो वो अपील करती हैं या अफेक्ट करती हैं हमारी सेंसेस को, हमारी जो फाइव सेंसेस हैं उनको वो अपील करती हैं। तो ये जो चीज़ है, ये सेंसुअसनेस जो है, ये कीट्स की पोइट्री में हमें नज़र आती है। कीट्स जो है अपनी अक्सर पोइम्स में, ख़ास तौर पे जो उसने ऑड्स लिखी हैं, उसमें हमें उसकी ऑड्स में ये ख़ास तौर पे ये क्वालिटी उसकी नज़र आती है कि वो वर्ड्स को इस तरह से यूज़ किया उसने, उसके अंदर ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हैं जो हमारे सेंसेस को अफेक्ट करते हैं, और इन दिस वे हम अपनी फाइव सेंसेस के ज़रिए इन चीज़ों को हम परसीव करते हैं। उन चीज़ वो जो चीज़ें हमें बयान कर रहा है, ठीक है, उनको हम परसीव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अभी मैंने मेलोडीज की बात की, तो वो जब मेलोडीज की बात करता है तो हम उसको परसीव करते हैं, हम उसको, वो म्यूज़िक है तो हम उसको अपनी हेयरिंग की सेंस के ज़रिए परसीव करते हैं। वो बुलबुल का, वो नाइटिंगेल का, वो ऑटम की ब्यूटी कह लें, उसको औरत के तौर पे जब बयान करता है, उसकी बड़ी तारीफ करता है,
तो उस ब्यूटी को हम अपनी सींग की जो सेंस है उसके ज़रिए हम उसको परसीव करते हैं। तो ये जो परसेप्शन है हमारी फाइव सेंसेस के ज़रिए, इसी को सेंसुअसनेस कहते हैं। कि जब राइटर अल्फाज को इस तरह से चूज़ करता है और बयान करता है जो हमारी सेंसेस को अफेक्ट करता है, और हम अपनी फाइव सेंसेस के ज़रिए उन लफ्ज़ों को फील कर सकते हैं और परसीव कर सकते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड सेंसुअसनेस। अब ये सेंसुअसनेस की कुछ एग्जांपल्स हैं कि किस तरह से ये, इसकी इन डिटेल भी मैं आपको एक अलग से प्रेजेंटेशन या नोट्स इसके सेंड करूंगा, उसमें इसकी साथ एग्जांपल भी कोट की गई है। यहाँ पे एग्जांपल स्किप की गई हैं सिर्फ, लेकिन मैं इसके कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने इधर लिखे हैं। ही राइट्स हिज पोइट्री विद हिज पेंटा सेंसेस, कि कीट्स जो है वो अपनी पांचों सेंसेस के साथ अपनी पोइट्री लिखता है, कि जो उसकी पांचों सेंसेस हैं उनका वो इस्तेमाल करता है, उसको पोइट्री में बयान करता है, जो अपने वो वर्ड्स यूज़ करता है, जो मनाजर हमें बताता है उसके अंदर हमें ये फील होता है कि पोइट जो है वो हमें अपनी सारी सेंसेस यूज़ करता हुआ नज़र आता है, और वो पढ़ने वाले की सेंसेस को भी अपील करते हैं फिर वो लफ्ज़, वो मनाजर, और हम भी उनको एक तरह से कह लें अपनी सेंसेस के थ्रू परसीव करते हैं। वी एंजॉय हिज पोइट्री विद ऑल आवर पेंटा सेंसेस, ये वही बात कि हम भी फिर उसकी पोइट्री को जो है अपनी पांचों सेंसेस के जरिए फील करते हैं। पेंटा का मतलब पांच। वी नॉट ओनली एंजॉय हिज पोइट्री, रेदर वी कैन टेस्ट, टच, सी एंड हेयर ऑल द आइडियाज प्रेजेंटेड इन हिज पोइट्री, कि हम सिर्फ उसकी पोइट्री को इंजॉय नहीं कर सकते बल्कि हमारी जो सेंसेस हैं, उसने इस तरह से बयान किया है उसकी पोइट्री को, इन सेंसेस को इस तरह से यूज़ करता है कि हम उन सारी चीज़ों को टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। कि जब वो कहता है हेयर मेलोडीज आर स्वीट, तो हम फील करते हैं कि धुने जो हैं, जो सुनाई देती हैं, वो मीठी होती हैं, हम खुद भी इसको फील करते हैं हमारी हेयरिंग के ज़रिए। और जब वो साथ बोलता है आगे, बट दोस अनहेयर्ड आर स्वीटर, कि जो इमेजिनेशन के थ्रू सुनते हैं वो ज़्यादा लुत्फ़अंदोज होती हैं, ज़्यादा अपील करती हैं हमारी सोल को, तो हम भी इस चीज़ को साथ ही फील करते हैं कि हाँ, सुनी हुई धुने मीठी हैं, अपील करती हैं, लेकिन जो नहीं सुनी हुई वो ज़्यादा मीठी हैं, ज़्यादा हमारी सोल को अफेक्ट करती हैं। इसी तरह साइट की जो उसकी सेंस है, उसकी भी एग्जांपल हम कोड ऑन क्रिएशन अर्थ में देख सकते हैं। वो जितनी तस्वीरें बयान कर रहा है हमारे सामने, तीन तस्वीरें वो बयान करता है उसके सामने, उसके जो सामने उस अर्न के ऊपर मौजूद है, वो इस तरह से उनको बयान करता है कि हमें ये फील होता है कि हम भी जो है वो, हमारे सामने भी वो तस्वीरें मौजूद हैं। तो इस तरह से वो इनको बयान करता है, ये एक तरह से कह लें कि साइट की सेंस जो है वो अपील करती है हमारी साइट की सेंस को। तो इसी तरह सारी सेंसेस जो हैं वो उसकी पोइट्री के अंदर हमें मिलती हैं, ये पांचों की पांचों जो वो यूज़ करता है और हमारी सेंसेस को अपील करती हैं वो, फिर उसके अल्फाज, उसके बयान करने का जो, जिस तरह से वो बयान करता है और जिस तरह से वो मनाजर को अपनी पोइट्री के अंदर यूज़ करता है। द होल ऑफ आवर बॉडी इज इन्वॉल्व्ड इन हिज पोइट्री व्हेन वी रीड हिम, जब हम उसकी पोइट्री को पढ़ते हैं तो हमारी पूरी जो बॉडी है वो उसकी पोइट्री में इन्वॉल्व हो जाती है, यानी ये हमारा, ये पांचों सेंसेस जो है ये
कुछ ना कुछ कह लें कि वो फील करने या उसको परसीव करने की असल में कोशिश करती है, और ये एक तरह से इन यूज आ जाती हैं ये सारी की सारी। जैसे अर्न की एग्जांपल अभी मैंने देखी है, आपको बताई है, तो उसमें वो क्या करता है कि जब वो उन अर्न को हमें हमारे सामने रखता है, हमें बताता है कि उसके ऊपर क्या क्या पिक्चर्स बनी हुई हैं, तो हम भी ऐसे ही हमें फील होता है कि जैसे हम भी उस अर्न के सामने मौजूद हैं, हमारे सामने वो अर्न मौजूद है और वो पिक्चर्स भी हमारे सामने मौजूद है। तो इस तरह से जो है वो सारी हमारी बॉडी को अपील करती हैं सेंसेस इस तरह से। उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इसकी पोइट्री का जो अभी आपके सामने स्लाइड नज़र आ रही हो, ये पहले मैंने अभी जैसे बोला था कि नेगेटिव कैपेबिलिटी जो है ये पीछे वाले टॉपिक में आई थी, तो उस टाइम मैंने इसको स्किप किया था और आगे मैंने बोला था कि ये डिटेल में हमारे पास आएगी। सो नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या होती है और कीट्स के पोइट्री के अंदर या कीट्स की जो वर्क है कीट्स का, उसके अंदर कैसे और कहाँ पे मौजूद है, कैसे कीट्स ने इसका यूज किया। सबसे पहले ये समझते हैं कि असल में नेगेटिव कैपेबिलिटी होती क्या है। तो इसकी ये डेफिनेशन है यहाँ पे, सबसे पहले इट एम्फेसाइजेस द निगेशन ऑफ पोइट्स सेल्फ विच मीन्स दैट पोइट मस्ट नॉट मेंशन हिज पर्सनल सॉरोज एंड सफरिंग्स। कि नेगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब ये है कि ये पोइट के अपनी शख्सियत की नफी करती है। इसका मतलब ये है कि जब पोइट अपनी पोइट्री लिखता है, पोइट्री को बयान करता है, तो वो उस पोइट्री के अंदर अपने सॉरोज, अपनी सफरिंग्स, अपनी पेन, अपनी तकलीफ को बयान नहीं करता, बल्कि वो अपने आप को उस तमाम अमल से, पोइट्री के तमाम अमल से अपनी ज़ात को, अपनी पर्सनैलिटी को वो अलग थलग रखता है। अपनी पर्सनैलिटी की कोई भी इन्वॉल्वमेंट वो अपनी पोइट्री के अंदर नहीं आने देता। ही शुड बी फुली ऑब्जेक्टिव, उसको मुकम्मल तौर पे ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अब अगर आपने पहले कभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पोइट्री की दो टर्म्स ये सुनी हुई है तो आपको इस बात की समझ आ जाएगी। सुनी हुई है या नहीं? यस सर, सुनी हुई है। सर कीने में पढ़ाया था एलियट वाला, उसमें जो एलियट है वो ऑब्जेक्टिव होता है, वो सब्जेक्टिव नहीं होता, वो अपनी फीलिंग्स में डिस्क्राइब करता है अपनी पोइट्री में। आवाज नहीं आ रही, अगर कोई बोलने की कोशिश कर रहा है तो। खैर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आगे भी इसकी मैंने ब्रैकेट में दोनों की डेफिनेशन लिखी है शॉर्ट सी। ही शुड बी फुली ऑब्जेक्टिव, के ऑब्जेक्टिव से मुराद ये होता है कि पोइट्री जो है वो दो तरह की होती है, एक सब्जेक्टिव पोइट्री होती है और एक ऑब्जेक्टिव पोइट्री होती है। ऑब्जेक्टिविटी या ऑब्जेक्टिव, दोनों तरह से इसको आप बोल सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पोइट्री से क्या मुराद होती है, या राइटिंग से, लिटरेरी राइटिंग भी हो सकती है, पोइट्री भी हो सकती है, लेकिन ये खास तौर पे पोइट्री के लिए ये टर्म्स यूज होती हैं ज़्यादातर, और पोइट्री की ये दो टाइप्स भी हैं, ऑब्जेक्टिव पोइट्री एंड सब्जेक्टिव पोइट्री। ऑब्जेक्टिविटी से मुराद यह कि अ मोड ऑफ एक्सप्रेशन इन विच द राइटर्स पर्सनल लाइफ रिमेन्स अब्सेंट फ्रॉम हिज राइटिंग। के ऑब्जेक्टिव राइटिंग ऐसी राइटिंग होती है जिसके अंदर पोइट की अपनी पर्सनल लाइफ
अब्सेंट रहती है, वो अपनी पर्सनल लाइफ के मुतलक कुछ भी बात नहीं करता अपनी पोइट्री के अंदर, कोई अपना गम गुस्सा तकलीफ या कोई भी और अपना कोई हालातों वाकयात जो है वो, यानी कि अपना पर्सनल कोई इन्फ्लुएंस या पर्सनल आइडिया वगैरह कोई ऐसा कुछ उसमें घुसाने की वो कोशिश नहीं करता है। दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी पर्सनल ज़िंदगी के मामलात, उसके पर्सनल सफरिंग सॉरो, उसके अगर ये नहीं कि उसकी नौकरी का मसला है तो वो नौकरी की बात जो है वो उसके अंदर डाल दे, उसके पास पैसे नहीं है तो वो पैसों का जिक्र शुरू कर दे, या वो बीमार है तो वो बीमारी का जिक्र उसमें शुरू कर दे अपनी का, ठीक है। इन चीज़ों से वो बिल्कुल दूर रहेगा, वो सिर्फ पोइट्री को जिस सब्जेक्ट को या जिस टॉपिक के ऊपर उसने लिखना स्टार्ट किया है वो सिर्फ उसी को लेके चलेगा और अपनी लाइफ को उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं करेगा। ये है ऑब्जेक्टिविटी। तो इसके अपोजिट जो है वो सब्जेक्टिविटी है या सब्जेक्टिव पोइट्री है, अ मोड ऑफ एक्सप्रेशन इन विच इंफॉर्मेशन अबाउट द राइटर्स पर्सनल लाइफ फाइंड्स प्लेस। के ऑब्जेक्टिविटी के अपोजिट इसके अंदर पोइट की जो अपनी लाइफ होती है या राइटर की अपनी लाइफ होती है, अपने उसके हालातों वाकयात होते हैं या जो वो फेस कर रहा है या जिस तरह के हालात से वो गुजरा है या गुजर चुका है या गुजर रहा है, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल हो सकती हैं। तो ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पोइट्री होती है। सो नेगेटिव कैपेबिलिटी ऐसी क्वालिटी या ऐसा एक फीचर होता है जिसके अंदर पोइट जो है वो अपने पर्सनल लाइफ को अलग रखता है, उसको पोइट्री के अंदर कहीं पे भी मेंशन नहीं करता और बिल्कुल पूरे तौर पे ऑब्जेक्टिव पोइट्री लिखता है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक मतलब कोई भी क्वेश्चन हो, कोई बात समझ नहीं आई वो आप पूछ सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है इसका कि इसका सो नेगेटिव कैपेबिलिटी कीट्स की पोइट्री के अंदर कैसे नज़र आती है हमें, ये कुछ पॉइंट्स उसके मैंने इधर मेंशन किए हैं इस स्लाइड में। ही डज नॉट प्रोजेक्ट एनी थ्योरी इन हिज पोइट्री, वो अपनी कोई थ्योरी पेश करने की कोशिश नहीं करता अपनी पोइट्री में कहीं पे भी किसी भी जगह पे। कीट्स बिलीव इन नेगेटिव कैपेबिलिटी द कैपेसिटी द कैपेबिलिटी ऑफ बींग इम्पर्सनल। उसका मुकम्मल तौर पर ये यकीन था कि इसका कि एक पोइट को नेगेटिव कैपेबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए और उसको बिल्कुल टोटली तौर पे इम्पर्सनल होना चाहिए अपनी पोइट्री के अंदर, यानी कि कोई भी अपनी लाइफ की डिफ़िकल्टीज और अपनी लाइफ का कोई भी पहलू, कोई एस्पेक्ट, कोई एलिमेंट अपनी लाइफ का वो पोइट अपनी पोइट्री के अंदर ना लेके आए। कीट्स डज नॉट इन्वॉल्व हिज पर्सनल फीलिंग्स इन हिज पोइट्री, ही राइट्स पोइट्री ओनली फॉर प्लेजर। गेन वही बात रिपीट हुई है जो पहले भी हम कर चुके हैं कि कोई भी पर्सनल फीलिंग्स उसने इन्वॉल्व नहीं की है। आप देख लें कि हमने ऑड ऑन ऑड टू नाइटिंगेल जो पढ़ी थी,
उसमें भी वो हमें एस्केप करती, उसके अंदर जब ख्वाहिश होती है वो एस्केप की ख्वाहिश तो करता है, लेकिन हमें कहीं पे भी वो ये बताता हुआ नजर नहीं आता कि मेरे हालात बड़े खराब हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, या मेरा मैं जो बीमार हो चुका हूँ, मेरा भाई फौत हो गया, मेरी मेरा एक भाई मुझे छोड़ के चला गया अमेरिका, तो ऐसा कहीं पे भी वो कहता हुआ नजर नहीं आता, और ना ही कहीं पे वो अपनी कोई थ्योरी वगैरह देता हुआ हमें नजर आता है, कोई अपना कोई हदायतकारी करते हुए कहीं पे नजर नहीं आता हमें। तो ये चीज जो है उसकी पोएट्री के अंदर एक नेगेटिव कैपेबिलिटी के इफेक्ट को शो करती है। सो ये आज जो है ये तीन इसके फैक्ट एलिमेंट्स इसकी पोइट्री के हमने देखे हैं। इसके अलावा इसका जो है कुछ और मुख्तसर से दो तीन और चीज़ें हैं, उनकी भी थोड़ी सी मैं डेफिनेशन आपके सामने रख देता हूँ। चीज़ जो है वो एक रोमांटिक पोइट था, जाहिर है यकीनी तौर पे रोमांटिसिज्म से उसका ताल्लुक था, और रोमांटिक एलिमेंट्स जो है वो उसकी पोइट्री में बिल्कुल सॉफिसर नज़र आते हैं। इसके साथ साथ जो है वो कीट्स जो है वो ग्रीक एलिमेंट्स जैसे हमने देखा उससे तो वो मुतासर था ही, और साथ ही साथ वो कुछ पुराने राइटर्स जो हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा मुतासर था। इसके अलावा कीट्स के जो अंदर एक और पहले के एलिमेंट उसकी पोइट्री के अंदर नजर आता है वो पिक्टोरियल क्वालिटी उसकी नजर आती है हमें, के जो इमेज वो हमारे सामने रखता है, जो तस्वीर हमारे सामने वो रखता है, बयान करता है, वो उसको बड़े अच्छे तरीके से पेश करता है। जैसे ऑड ऑन ग्रेशियन अर्न में जो तस्वीरें गुलदान के ऊपर वो देख रहा था, उसने बहुत ही इन डिटेल और बहुत ही विविड किस्म से बहुत वाज़े तौर पे उनको बयान किया और पेश किया है हमारे सामने कि किस तरह से वो तीन तस्वीरें थी, जिसके अंदर कुछ पहली तस्वीर जो देखता है कुछ यंग मेल्स हैं और कुछ यंग फीमेल्स हैं, वो मेल्स जो हैं वो फीमेल्स को फॉलो कर रहे हैं, चेज कर रहे हैं उनको,
फिर जो एक और तस्वीर देखता है सेकंड नंबर पे, जिसमें एक कपल मौजूद है, एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ और एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा है वो यंग मैन, और अपनी जो लवर है वो उसको किस करने की कोशिश कर रहा है। वो सारी चीज़ें बड़ी इन डिटेल और बड़ी विविड तरीके से उसने बयान किए हैं, और किस तरह फिर थर्ड पिक्चर में एक गाय की तस्वीर है जो ज़िबा करने के लिए लोग लेके जा रहे हैं, प्राइस्ड है उसके अंदर। फिर वो गांव की डिटेल बताता है हमें कि किस गांव से, जिस गांव से ये आए होंगे तो वहां पे अब क्या सिचुएशन होगी, वो खाली हो गया होगा, तो इस तरह से वो बड़ी इन डिटेल हमें बताता है। पिक्चर क्वालिटी उसकी आप इस तरह से भी इसको देख सकते हैं कि किस तरह से वो जो तस्वीर कशी करता है, अगर उर्दू का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँ, मनाजर की, किस तरह से मनाजर को वो बयान करता है, तो वो भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से बयान करता है कि एक के एक बाद वो मनाजर बयान करता जाता है और उनकी फिर तस्वीर कशी करता है, इन डिटेल उनको बताता है। और उनकी हमें ऐसे ही फील होता है जब हम उसकी पोइट्री को पढ़ते हैं कि जैसे हम खुद उसको जो है वो चीज़ हमारी सेंस को अपील कर रही है, जैसे वो सेंसलेसनेस में हमने पढ़ा और देखा। सो ये उसके कुछ फीचर्स हैं, और अगर कोई एक दो रह गए तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट में हो जाए। बहरहाल ये कुछ जो इन डिटेल थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं, और अभी एक ये मेरे पास कोई नोटिफिकेशन आया, कुछ देख लेने थे कि अगर तो ये तो ये जो है अभी मेरे पास जो नोटिफिकेशन आया है वो आपके यूनिवर्सिटी के ओपन होने या ना ओपन होने के मुतल्लिक है। तो इसमें तो ये लिखा हुआ है कि आपकी यूनिवर्सिटी ओपन नहीं होगी इस सेमेस्टर के लिए। द ऑनलाइन क्लासेज विल बी कंटिन्यूड टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर स्प्रिंग 2021 थ्रू गूगल क्लासरूम। सो ये इसमें लिखा हुआ है, हो सकता है आप तक भी पहुंच गया हो, या नहीं पहुंचा तो बहरहाल मैंने आपको ये इन्फॉर्म किया, जल्दी पहुंच जाएगा आप तक, या हो सकता है पहुंच ही नहीं। और इस तरह से आपके पेपर्स भी ऑनलाइन ही होंगे। इसमें सेकंड पॉइंट जो ये लिखा होगा, द सबमिटिव एग्जाम ऑफ सेमेस्टर स्प्रिंग 2021 विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन थ्रू गूगल क्लासरूम फ्रॉम होम। सो ये एक और बहुत बड़ी खुशी की खबर आपके लिए कि आपके पेपर जो हैं वो ऑनलाइन ही होंगे।
एंड यूनिवर्सिटी इज प्रोवाइडिंग यू अ फुल फ्लेज चांस टू वेल द अपॉर्चुनिटी एंड गेट गुड ग्रेड्स थ्रू ऑनलाइन एग्जाम. सो थैंक यू सो मच. अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. और इनफैक्ट यूनिवर्सिटी इज प्रोवाइडिंग अ फुल फ्लेज चांस टू द स्टूडेंट्स टू चीट मे बी. स्टूडेंट्स हैव ऑल्सो explored or invented new ways to cheat in exams. This is also a truth, in fact a bitter truth of this online education system. So if any question you can ask. And hopefully next week we will go to a new poet. So two poets are remaining actually. One is also from Romantic period. I think the poet is Percy Bysshe Shelley, and the other is from Victorian period. So I am decided to go for the Victorian poet first, because I think that if we have lack of time at the end of our semester, so at least we have done Robert Browning, which is from Victorian era, so we will be satisfied at least that we have done another important poem. And the other is, yes, the other is Percy Bysshe Shelley. Percy Bysshe Shelley is a romantic poet, and of course he is also a great figure in English poetry. But when we talk about Robert Browning, actually he had given some important elements, or he has used some important techniques in his poetry which are important to read in detail or with some great concentration. So therefore I am indulging, or I am deciding to go for Robert Browning first, and then we will go for Percy Bysshe Shelley. Again, I would like to say that Percy Bysshe Shelley is not a Victorian, he is a romantic. So three romantics in our syllabus. One was from the previous era. And which previous era that was, if anyone can say? Alexander Pope from which era Alexander Pope belonged? No one. So इतनी बार पहले बता चुके हैं, so अब मैं repeat नहीं करूँगा. खुद अपने किताब या अपने notes देखिएगा, उसमें लिखा होगा कि अलेक्जेंडर पॉप जो है वो किस तरह से बिलोंग करता था.
सो आज के लिए इतना काफी है आई थिंक। सर अलेक्जेंडर पोप जो है क्वेश्चन हो अगर वो तो न्यू पूछ लीजिए, अगर अगस्टन एज से बाद में बिलोंग याद आ करता जाए तो बाद में पूछ लें। यू आर वेलकम एनी टाइम, यू वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन टूडेज सेशन एंड आई होप दैट यू विल ऑल्सो ज्वाइन मी इन द नेक्स्ट सेशन, बिकॉज नाउ वी आर नॉट गोइंग इन फिजिकल मोड ऑफ टीचिंग एंड फिजिकल मोड ऑफ लेक्चर, वी विल रिमेन हियर। सो एंड थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ दोज स्टूडेंट्स विच आर विद मी एंड विच joins me every time in every lecture and especially today, and definitely if you are here with me and you are listening my voice or my lecture, this will be a worthy thing for you, because there may be some students which think that this subject of poetry is not of that importance, like some other linguistics or theoretical subject. I think criticism, modern criticism, you are studying. So every subject has its own value, and yes, there is a truth that you may get good rewards or good grades in poetry when you are studying in your graduation or master's degree, but when you go for your job interviews or job tests, there will be a hurdles there which will be created by this poetry, और ये poetry जो है फिर आपको वहाँ पे जाके बताती है कि मैं क्या हूँ। क्योंकि यहाँ पे तो क्या होता है, एक poet की दो तीन poems शामिल कर दी, उसको याद कर लिया और पढ़ लिया बस, यू नो समरी पढ़ ली, थीम्स पढ़ लिए, थोड़ा सा एनालिसिस पढ़ लिया, पेपर हो गया, फिजिकल पेपर भी हो तो निकल जाएगा, कोई बात नहीं, ऑनलाइन में तो निकलेगा ही, दैट इज वेल एंड गुड। लेकिन जब फिर एक कहने के एक लेवल बढ़ जाता है, जब आप जॉब के लिए जाके बैठेंगे, इंटरव्यू में बैठेंगे, या आप टेस्ट देने बैठेंगे, तो फिर वो एक दो पॉइंट से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता है। फिर वो उसकी मर्जी है, वो जिस पॉइंट का जो समझती सवाल पूछ, और ज़ाहिर है हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि उसको अच्छी से अच्छी नौकरी मिले। सो जो भी आप अच्छी नौकरी करने की कोशिश करेंगे, जब भी, और ख़ास तौर पे जब आप, मैं टीचिंग की बात कर रहा हूँ, तो जब भी आप इस टाइप की जॉब के लिए जाएंगे, और जहाँ पे भी कहीं पे टेस्ट जॉब का लिया जाएगा, ये बात मेरी पल्ले से बांध लें और गौर से सुन लें कि ये जो रोमांटिक पोइट है, वो कहीं और से सवाल पूछे ना पूछे, वर्ड्सवर्थ और कीट्स का सवाल आज तक कोई टीचिंग का ऐसा टेस्ट ही नहीं बना होगा जहाँ पे वर्ड्सवर्थ और कीट्स का सवाल ना शामिल किया जाए। बाकी आप पढ़ें, मेहनत से पढ़ें, और अल्लाह आपको बहुत सारी कामयाबी दे आने वाले वक्त में, इस वक्त में भी, इस सेमेस्टर में भी, आने वाले सेमेस्टर में भी, और इसके बाद भी आपकी लाइफ में जॉब हासिल करने के लिए, या जो भी आप अपने कैरियर में करना चाहें। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैप्पी रीडिंग एंड कीप लविंग लिटरेचर। Thank you very much.
सर,